अभी हम जर्मनी में फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 20-30 किलोमीटर है, और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सब अंगूरों के बाग लगे हुए हैं यहाँ पे। वैसे अंगूर तो नहीं है क्योंकि मौसम भी नहीं है अंगूर का। अभी हम करने ये आए हैं कि ड्रोन उड़ाने आए हैं, बहुत आला नज़ारे हैं, सोचा चले ड्रोन से ज़रा फुटेज ले लें। स्पेशली क्योंकि हॉलैंड में ज़रा रिस्ट्रिक्शन है ड्रोन उड़ाने की, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कम है, तो सोचा कि ज़रा जर्मनी जा कर ड्रोन उड़ाते हैं। करने हम एक्चुअली ड्रोन के साथ ये आए हैं, मैंने गोप्रो ख़रीदा था, और जब मैंने गोप्रो ख़रीदा तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि एक ड्रोन लेता हूँ, गोप्रो को उसके ऊपर लगाऊंगा और फुटेज बनाने की कोशिश करूँगा। फिर मैंने चाइना से एक ड्रोन मंगवाया था जिसके ज़रिए मैंने कोशिश की थी उसको उड़ाने की गोप्रो को, लेकिन क्योंकि काफ़ी लाइट ड्रोन था उसने काम नहीं किया। तो एक और ड्रोन लिया मैविक प्रो, अब उसके ऊपर गोप्रो लगाने लगे हैं, फिर देखते हैं कि ये गोप्रो को उड़ा सकता है या नहीं। ऐसा कौन सी वाली बैटरी निकाल रहे हैं? ये नहीं, दूसरी, वो ये पहले से लगी हुई थी जो मैंने निकाली थी, वो दूसरी साइड की ना, वो पुरानी है, नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी क्या? कुछ नहीं। उड़ाओ। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गोप्रो की। वजन ही लग रहा है। किसके ऊपर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, तो उसका डी बैलेंस हो रहा है और उसकी वजह से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा तो बहुत जाएगा, मैं कहता हूँ ऊपर। रिकॉर्डिंग चल रहा है। एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, डीजेआई के साथ तो गोप्रो उड़ रहा है। वैसे डीजेआई का अपना रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी गोप्रो इज़ गोप्रो। किसी स्पेसिफिक सेटिंग में आपने वीडियो बनानी है तो गोप्रो भी अटैच किया जा सकता है। एनीवेज इट वाज जस्ट फॉर फन।
बड़ा बच्चा है। मैं तो तैयार हो गया था वीडियो बनाने के लिए। मजा आया यार।